अब जिस तरह से हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैसे ही सेम है थर्ड प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायस्कोपी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? हमने फ्रीज में फ्रीजर में अगर हम पानी को रख देते हैं आइस बनने के लिए, तो वो जो टेम्परेचर होगा जिस पर पानी जम जाएगा उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन इसकी हम अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड फेज। जब लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और क्या डेफिनेशन होगी, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फेज इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब वही बात हमने यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता था वो और कम टेम्परेचर पे, 0 से भी माइनस के टेम्परेचर पर फ्रीज होएगा। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड दिस इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेरिवेशन कैसे निकलेगी, मान लो टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ कितनी डिप्रेशन हुई, डिप्रेशन का मतलब कम होना, तो डिप्रेशन कितनी हुई, प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो यहां पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वेयर डेल्टा टी एफ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फॉर डायल्यूट सोल्यूशन डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे हम तो यहां पर क्या आ जाएगा, के एफ इंटू एम, वेयर के एफ इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। ग्राफ इज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड सोलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस ग्राफ को हम इधर से लेके चलेंगे। देखो ये यहाँ टेम्परेचर था, लिक्विड को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, प्योर सॉल्वेंट था ये, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ठंडा होता चला गया, टेम्परेचर घटता चला गया, ठंडा होता चला गया। इस पॉइंट पर आकर सॉलिड सेपरेट आउट होना शुरू हो गया, सॉलिड सेपरेट आउट आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है ये जो टेम्परेचर है कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, ये उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ऐसे ही जब हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूशन को जब हमने फ्रीज होने के लिए रखा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका इस पॉइंट पे ना जाके इतना ठंडा करना पड़ा, यहां से सॉलिड सेपरेट आउट होना शुरू हुआ, तो ये इसका हो गया सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इतना टेम्परेचर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इतना प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, दोनों का जो डिफरेंस आया दैट इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, इट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम देख आसान से एग्जाम्पल से अगर समझें कि अगर हम प्योर वाटर को फ्रिज होने के लिए रखें, एक कटोरी में अगर हम प्योर वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फ्रिज होने के लिए, और दूसरी कटोरी में अगर हम उसमें 2-3 चम्मच नमक डाल के फ्रिज होने के लिए रख देते हैं, तो नमक वाला पानी जो है वो देर से फ्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। तो वह डेल्टा टी एफ के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया, के एफ इंटू एम, वेर के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी इसको बोलते हैं। ऐसे ही अब डिफाइन के एफ, के एफ की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, अगर मोलिटी हमारी 1 मोल पर केजी हो जाए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो डेफिनेशन क्या बनेगी के एफ की, के एफ में भी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स यूनिटी। मोलरिटी है ये, मोलरिटी नहीं है, स्मॉल एम लेना है यहाँ पर। वही के एफ की यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और वाटर का जो के एफ वैल्यू है वो होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
अब इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, हमें पता है मोलरिटी क्या होती है, डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड बाई डब्ल्यू वन, तो एम टू विल बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन, एंड बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ दिस फोर क्वान्टिटीज वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पेज नंबर 52 एनसीईआरटी पे 2.9 और 2.10 जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेने हैं, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। दैट इज ऑल अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, डिप्रेशन इन फर्स्ट हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर हमने पढ़ी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फिर हमने पढ़ी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जांपल 2.9 हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है हमें। इसमें क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ द सॉल्यूट इज 45 ग्राम और उसका मोलर मास होगा 62 ग्राम, मास ऑफ वाटर 600 ग्राम, टी नॉट एफ यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन, और डेल्टा टी भी हमें निकालना है, टी एफ निकालना है, फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू मोलरिटी, और मोलरिटी होगा गिवन मास बाई मोलर मास इंटू 1000 बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये आ गया हमारा 2.25 केल्विन। तो डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, हमें टी एफ निकालना है, टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, यानी कि जो 0 डिग्री से केल्विन था वो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है अब 273.95 केल्विन आएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। अगला न्यूमेरिकल खूब ट्राई करना। थैंक यू।